हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। जब हम स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइनसोइडल की। हम साइनसोइडल ही क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर वेवफॉर्म्स? साइनसोइडल इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी साइनसोइडल है। वेव्स जो आती हैं वो साइनसोइडल्स होती हैं, रिपल्स जो रहती है किसी मोशन सरफेस पे वो साइनसोइडल होती है, कैरियर वेव्स जो कम्युनिकेशन में होती है वो साइनसोइडल होती है, किसी स्टील स्ट्रक्चर को यदि रखा जाता है डिस्टर्बेंस में तो वो भी आपका साइनसोइडल होता है। जो घड़ी का पेंडुलम है वो भी साइनसोइडल फॉलो करता है। आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जब उसका नेचुरल रिस्पॉन्स देखते हैं तो वो भी साइनसोइडल होता है। साइनसोइडल वेवफॉर्म को जनरेट करना इजी होता है, साथ ही साथ उसे ट्रांसमिट करना भी इजी होता है। फोरियर सीरीज एनालिसिस भी जो रहता है साइनसोइडल की फॉर्म में रहता है, वो भी इजी हो जाता है। ठीक, कभी किसी एलटीआई सिस्टम को, जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, ये एलटीआई सिस्टम है, यदि हमने उसे कोई साइनसोइडल इनपुट दिया, साइनसोइडल से मतलब साइन या कोसाइन कुछ भी हो सकता है, यदि उसे कुछ साइनसोइडल हमने इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट पे जो मिलेगा वो साइनसोइडल ही मिलता है, या तो साइन की फॉर्म में, नहीं तो कोसाइन की फॉर्म में, नहीं तो जो भी रहता है आपका वो साइनसोइडल रहता है। मैथमेटिकल हैंडलिंग जो रहती है साइनसोइडल की वो भी इजी रहती है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो जनरेशन ट्रांसमिशन तो साइनसोइडल हो ही रहा है, साथ में हम जितना भी एनालिसिस करते हैं सिस्टम्स की एसी के साथ में वो सारी साइनसोइडल ही होती है हमारी। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है हम वो देखते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से साइन वेव लेते हैं। This is pi, this is 2 pi, this is omega t। मान लीजिए वोल्टेज है ये, तो ये v ऑफ t, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज pi by 2, 0। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेगेटिव p का आपका रहता है माइनस वी एम। ठीक, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, v ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा t। ठीक, यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इसका है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ऐसे बोल सकते हैं। वीएम क्या है, वीएम जो है इस वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है, जो फंक्शन है या जो वेवफॉर्म है उसकी पीक वैल्यू है। ठीक, तो टी टाइम पीरियड है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी साइनसोइडल फंक्शन का या किसी साइन फंक्शन का हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आपका होता है, और इसी में आपका एनालिसिस जो रहता है वो सिंपल रहता है। तो हम स्टडी स्टेट एनालिसिस जो एसी की करेंगे वो कैसे करेंगे, साइनसोइडल करेंगे।